सांबर में पंचायत समिति में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना, अतिरिक्त विकास अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि न्यूनतम निश्चित पेंशन ₹3,000 प्रतिमा, 60 वर्ष की आयु से आजीवन भुगतान, असंगठित कामगार और अन्य व्यवसाय में करने वाले श्रमिक एकमात्र पात्र होगा। श्रम निरीक्षक श्याम सुंदर ने बताया कि श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ सर्वप्रथम ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को ही प्राप्त होगा। केंद्र सरकार के 100 दिवसीय कार्यक्रम के योजना में श्रम विभाग के तरफ से निर्मल श्रमिक के पंजीयन के हेतु आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसके बारे में दो शब्द बताइए। ये क्या कि जो लेबर क्लास लोग है, रेडी वाले मजदूर क्लास लोग है, उनका सम कार्ड यहाँ पे पंजीयन हो रहा है। इसके अलावा जिनका सम पंजीयन पहले कार्ड हो चुका है, उनका मानधन योजना के अंदर पंजीयन किया जा रहा है। मानधन एक योजना ऐसी है कि 40 वर्ष तक आपको बैंक में कुछ मानदेय जमा कराना कटता है ऑटोमेटिक, और कुछ राज्य सरकार उसमें देती है। आप क्या मतलब श्रम विभाग का क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर, आज ई श्रम कार्ड और PMSY प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड, इसके बनाने बाबत में कैंप लगाया गया है यहाँ पर। तो ई श्रम कार्ड कोई भी व्यक्ति 18 से ज्यादा और 60 वर्ष से कम वो बना सकता है, और PMSYM में 18 से ज़्यादा 40 वर्ष से कम वो जोड़ सकता है। PMSYM एक पेंशन योजना है, 60 वर्ष पूर्ण होने पे आदमी को न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन राशि